पकड़ो पकड़ो, गोदी में उठा ले, मैं उठाऊं भारी हो जाएगा, ले तू। मैं बोलती हूँ उनको और वो आ गई है। चलो पीठ दिखा दो। कैसे हो आप? मेरे को साइज तो पता था बट अभी वाले में इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा लू कौन सा नहीं लू। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट इसकी है जरूरत ही वाली। देखो देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारे रैंको का है वैक्सीनेशन डे, तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसका रेबीज का, और बाकी सारे जो वैक्सीन है एक्सपायर हो गए थे और उसको पता भी नहीं हम कहाँ लेके आ रहे हैं। देखो कितनी खुशी खुशी आ रहा है, सोच रहा है कि घूमी घूमी करने के लिए आ रहा है। आराम से आराम से, हम इसको पैदल ही ले आए, वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, 15-10-5 मिनट का रास्ता बाइक से, पर मैंने हमसे कहा पैदल ले चलते, थक जाएगा तो घर आके सोएगा, इसकी तबियत ख़राब हो रही, 2 दिन से खाना नहीं खाया जब से लक्ष्मी नगर से आया ना, चुपचाप लेटा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया इसको, शांत सा हो रखा है, ये पता नहीं क्यों भागते रहता है। व्लॉग में आने के टाइम पे बिल्कुल भागने को तैयार रहता है, आगे को ना गुड मॉर्निंग ना गुड नाइट ना कुछ, तुम ही तुम्हारे लिए बोल रही हूँ मैं, तुम्हारे तक रखा कैमरा। भैया कह रहे हैं देखते ही पहचान गए रंगो को कि व्लॉगर आ गए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गोदी में उठा ले, मैं उठाऊं भारी हो जाएगा, ले तू पकड़। जैसे मर्जी बोलना, संभलेगा तेरे से, बड़ा हो गया संभलेगा नहीं आपसे। मैं पकड़ता हूँ, ले एक साल 2 महीने का हो गया भैया, ये इसके ना सर में यहाँ पर देखो चोट सी, यहाँ पर कुछ देखो दबाना ही भारी, देखना तबियत खराब होकर कैसे बिस्किट खा रहा है, चाय ला रखी है, चाय किधर है उसका कप ममता का, और चाय के कप में डिबो के चाय के साथ बिस्किट खा रहा है, सुबह से 3 दिन से खाना नहीं खा रखा है, 3 दिन से रोटी दे रहे हैं वो नहीं खा रहा, बिस्किट खाने वाला बन रहा है, देखना अरे प्रॉपर पहाड़ी कुत्ता हो रहा है ये। पापा लेकर आए हुए हैं पता नहीं क्या है, तो मुझे भल्ले पापड़ी लग रहा है, ये भल्ले पापड़ी, ये भल्ले पापड़ी, ये मैंने बर्गर मंगाया था, एक 2 बर्गर लग रहे हैं, तुमने बर्गर मंगाए थे ममता, इसमें बर्गर हैं और ये हैं, ये सब पापा लेकर आए हुए हैं, उनको खिला देते हैं सब लोगों को, यहाँ देखो अब अंडा भी खा रहा है, अब लगी इसको भूख, खा लिया ना, और रोटी नहीं है ना अंदर, उन्हें और खा लेता, अंडा अंडा खिला, तो खा रहा है खा रहा है खा रहा है, मुंह लगा रखा है उसने। रैंगो घुमाने के लिए लेकर आई थी, और रैंगो को ना यहाँ पर जहाँ हमारे पास एक फील्ड है ना जंगल सा है, वहाँ पर इतनी जगह जगह पर डॉगी के बच्चे हो रहे, तो ये जो ब्लैक कलर का डॉग है ना, ये बार बार रैंगो को बुला के ले आ रहा है, जब हम गए थे यहाँ से, जब हम गए थे तो वो भी ये बुलाने आया था, दोबारा आया तो भी बुलाने के आ रहा, और हमारे साथ के रैंगो इतना डरफोक है, एक को देख के वो चले आ रहा, जब देखा कि 5-6 बच्चे और के हैं, डर के मारे वापिस, अरे बाप रे इतना सा है, देखना जरा देखना, डरा दिया रैंगो को, रैंगो देखो डरा दिया उसने, हो देखो जरा कैसे प्रोटेक्ट कर रहा अपने भाई बहनों, कितने सारे हो रहे हैं, 6-7 बच्चे हो रहे हैं बताओ, छोटे छोटे से, वो 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 आ बाबू रहेंगे, आजा आ, वो गुस्सा कर रहा है, आ जाओ शाबाश, वो आपका फ्रेंड नहीं बनना चाहता बिट्टू, चलो घर को चलेंगे, ये बेचारा बहुत सीधा सा है ना हमारा वाला, क्या करे। आ ली मम्मा ठीक है, थोड़ी देर में आ रही है, इतने क्यों टेंशन में बैठा हुआ है तू, हाँ। मैं जा रही हूँ गाइस, मेरी फ्रेंड थी पुराने ऑफिस में, 3 साल हो गए उससे नहीं मिली हुई, 3 साल पहले जब मैं लास्ट ऑफिस छोड़ा तभी मैं उससे मिली थी, आज उसका कॉल आया था, कह रही थी चल मिलते हैं मेरे घर ही आ जा, यही पास में पीतमपुरा में रहती, मैं चल मैं आती हूँ, तो शायद ऑफिस से निकली होगी, उसने कहा जब मैं ऑफिस से निकल जाऊँगी तो तुझे बताऊँगी, तो मैं जा रही हूँ उसके घर उससे मिलने के लिए, 3 साल बाद में जरा खुशी अलग ही लेवल की, मतलब वो एक फ्रेंड तरह की भी नहीं थी, मतलब एक बड़ी बहन की तरह है, मतलब उससे बड़ी है, काफ़ी अच्छे नेचर की, पता नहीं व्लॉग में आएगी नहीं आएगी, शायद नहीं आएगी क्योंकि उसको ये सब पसंद नहीं है कैमरा वगैरह में आना, पर पूछ लूँगी अगर आएगी तो आज अपने फ्रेंड से मिलकर आती हूँ मैं। मैं पहुंच गई हूँ मैम की सोसाइटी पे, मैं मैम बोलती हूँ उनको, और वो आ गई है, पता नहीं व्लॉग में आओगे या नहीं आओगे, पर मैंने वीडियो बना लिया अपना, नहीं आओगे ना, चलो फीड दिखा दो। कैसे हो आप, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। आ गई हूँ वापस घर को, मतलब पहुँच ही गई हूँ, ऑलमोस्ट घर के नीचे ही हूँ, इतना अच्छा लगा ना मिलके इतने टाइम बाद, और ख़ास तौर पे उनकी बुआ और पापा,
बहुत अच्छे लगे, मतलब ऐसे पहली बार मिले ना बात बात करके। और अभी मैं देखती हूँ मेरा रैंगो बेचारा उदास बैठा होगा, जब मैं जा रही थी तो चुपचाप से मुंह ऐसे नीचे झुका के बैठा हुआ था कि जा रही है। अभी देखो कैसा करता है, मेरे पोस्ट ही रोना धोना मचाता है। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा रैंगो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा बच्चा मम्मा का इंतजार कर रहा है। और मैं सबको बोला कि रैंगो से मिलाती हूँ, पता है सबको बोला। ओ मेरा बाबा, चल चल बेटू चल चल, इसको बाथरूम करा के ले, चल फिर चल चल, बाथरूम तो हुआ है ना, तो चल फिर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, पहले इनसे मिलो, ईशा जी से मिलो, हमारे उठने का इंतजार रहता है, बस इनको कैसे भी उठ जाऊँ। ये देखो ये गुनी बाबा हो रहा है बहुत गंदा। आज है ममता का बर्थडे, उसको बर्थडे की विश कर देती हूँ। उठ गई है शायद, हाँ उठ गई है। इतने मैंने कहा रात को आऊंगी, मैंने कहा तुम लोग सो रहे होंगे, सब बीमार हो गए रात को, खा लो खा लो कोई नहीं, चलो घूमी चले, चल आ जा। वो भी आ गया, मैं शाम उठ के घूमने को तैयार, मेरा बच्चा तुम्हें चलेगा, मैं बात करती हूँ। कल रात थोड़ा सुबह रात नहीं उठे, अभी उठा जा, मैंने उठाया इसको तो। मैं आई हूँ, आज ममता का बर्थडे है तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए सोचा था कि क्या लूँ, समझ ही नहीं आता, मेरे को ध्यान है कि उसको गांव जाना है और वहाँ पे सर्दी होगी, छोटा बेबी है, तो मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ स्वेटर वगैरह कुछ इस तरह से ले लेती हूँ जो उसके काम आएगा ठंडी जगह में। अभी मेरे को खुद ही समझ भी नहीं आ रहा कि उसकी फिटिंग साइज़ वाइज कुछ दिमाग में ही नहीं है, क्योंकि अभी उसका थोड़ा सा वेट वगैरह उसने बढ़ा लिया है, तो पहले का साइज़ तो पता था, बट अभी वाले में इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। देखती हूँ एक दो सिलेक्ट करके, और अगर नहीं होगा तो फिर एक्सचेंज तो यहाँ पर हो ही जाता है, फिर एक्सचेंज करवा देंगे। और क्या, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, इसकी ये जरूरत थी भाभी। देखो देखो, मैंने कुछ ऐसा नहीं दिया है, काम की चीज़ दी, घर में पहनने वाले। ये पूरा ट्रैक सूट था, लेकिन इसके ऊपर का ना बहुत छोटी हाइट वाला था, क्रॉप टॉप टाइप का, इसलिए मैंने फिर दूसरा ले लिया, चैन वाला। मैंने कहा तुम्हें दूध पिलाने में दिक्कत होगी ना नॉर्मल में, इसीलिए मैंने गर्म लिए हैं। कोई बात नहीं, ऊपर का मैच मैच हो रहा था ना, इसीलिए अभी मैंने देखा तो उसके ऊपर, हाँ ये गर्म पजामा है, इसमें ये दाग हो रहा है इसमें तो, मैं देखा नहीं, मेरे को तुम्हारा साइज समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे। हाँ नहीं, साइज समझ में नहीं आ रहा था मैं तुम्हें, अभी तुम्हारा पहले का साइज तो पता है, अभी का साइज नहीं आ जाएगा, टाइट होगा, ढीले ढीले तो पहनते हैं, टाइट होगा कह रहे हो, ढीला होगा कह रहे हो, फिट होगा, नहीं नहीं ठुल तो नहीं है वो, ये लूज ही होते हैं, थोड़ी देर में देख लेगी, कोई बात नहीं उसे, ये सही लग रहा है ऊपर वाला जो हुड है, एक में वाइट देख रही थी, मुझे ध्यान है तो मैं बस वाइट वाला है सेम फिर, मैंने नहीं है ना, मैंने कहा ये शायद तुमको सही लगेगा, पहले बंद तो देख रही थी हमारे भी बंद, मैंने कहा तुम्हें बहुत दिक्कत होगी उसे ऊपर करने में। देखो हमारा जो बाकी का सामान बचा हुआ था पिछली बार जो हम घर शिफ्ट कर रहे थे, जो बच गया था आज वो जा रहा है इसमें, जितने बार भी आते हैं सामान ही ख़त्म नहीं होता हमारा तो, और सारे कपड़े लगते हैं, जितनी बार भी आ रहे हैं सारे कपड़े ही जा रहे हैं, इतने कपड़े हो गए। अभी हमको जा रहे हैं, रैंगो इतनी टेंशन में है, इतना रो गए पापा उसको लेके नीचे आए, इतना परेशान कर दे रहा है, क्योंकि जैसे ही सामान पैक होता है ना उसको लगता है नहीं छोड़ के आ रहे, क्योंकि कई बार तो छोड़ के आ चुके हैं ना, सबसे पहले उसको आना होता है। हम गाइस सॉरी, ममता के बर्थडे की तैयारी, खाना वगैरह आज बाहर से आया हुआ है, केक वगैरह आ गया है, मैं घर के कपड़ों में हूँ क्योंकि मेरा सारा सामान गाड़ी में जा चुका है, क्योंकि नोएडा को सारा सामान जाना था, पहले सारा सामान वगैरह यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। और ये रहा केक आपका, इसमें कुछ लिखा नहीं है क्या, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, ये रही बर्थडे गर्ल अपनी बेटी के साथ, और ये रहे दर्शक बाकी के सारे, सबसे मिल लो, जलाओ जलाओ जलाओ। अरे मेरी मम्मी भी आ गई है, मम्मी ये मोनू ने मेरे को लाइटर पकड़ा दिया, मैं कहा सिगरेट का है, लाइटर तो दे दिया। अरे मेरी मम्मी भी आ गई, अभी नानी भी होती अच्छा जाने तरह से नानी को बैठा देती हूं, करो करो पिठिया लगा दो पहले, पापा लगा दे, हाँ भाई गाइस, ईद के चांद ये वो आ गए, अच्छा ये भी आ गए हैं क्या दोनों, वेरी गुड। क्या तू क्या बना रहा है, बंद फोन से ब्लॉग बनाने वाले तो ब्लॉगर हो रहे हैं ऐसे ही हैं, वही मैं कह रही, बंद फोन से ब्लॉग बनाने वाले तो ब्लॉगर हो रहे हैं,
लंबी उम्र हो, जल्दी जल्दी बच्चा मिले, जल्दी जल्दी तेरा प्रमोशन हो, बहुत लंबी उम्र हो, जल्दी जल्दी खुशियां मिले हमारे को। इनको भी लगा दो ये दोनों। वही आराम है। खबरों में बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में। जल्दी से जॉइनिंग करो। जो अभी आ जा रहे हो लेटर तो पहले अल्लाह कर दो साला। आज ये समझो लेटर उसका। और आने तो दो पहले आ नोएडा। वो पढ़ाई कर तभी आगे निकल। नोएडा तेरे को क्या हो रहा है? तू क्यों हो रहा है लंगूर जैसा? वो तो ठीक होगा, तू हो गया लंगूर जैसा बिल्कुल। चलो चलो सोनू ब्लॉग में आ गया। आ जा जा रेंगी आ बेटा रेंगी रेंगो फोटो खींच ले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mamta. Happy birthday to you. Tan 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 tan. Tan 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 tan. हम जा रहे हैं तो इसको इतनी भैया सब पता है गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, कब निकलना है, इतना वो हो गया इसको जाने के लिए नोएडा की तरफ को। और हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से, और इसीलिए इस ब्लॉग का मैंने सोचा एंड भी यहीं पर ही कर दी। फिर क्या होता है सामान वामान लगने के चक्कर में भूल जाते हैं। कहाँ गया यमन? कहाँ गया उसमें से सामान? चलो ठीक है, अरे मत बोलो ना उसको, फिर बुरा मानेगा। चलो ठीक है, ठीक है आप जी, चलो ठीक है, चलो बाय बाय।